कच्छ अने गुजरात नी रसप्रद घटनाओं ने समाचार जानवा अमारी चैनल ने लाइक शेयर अने सब्सक्राइब करो। महाराष्ट्र की अमरावती बैठक पर 2019 लोकसभा की चूंटनी में अपक्ष तरीके चूंटायेला हनुमान चालीसा कारण चर्चा में आवेला सांसद नवनीत राणा जे गत 28 मार्चे भाजपा में जोड़ाई चूंटनी लड़ी रहा है, तेमणे शनिवार सांजे भूज में कच्छ मोरबी बैठक उम्मीदवार विनोद चावड़ा प्रचार माटे रोड शो कर्यो हतो अने कह्युं हतुं के कच्छनो विकास जोईने लागे छे के मारो ભાજપમાં જોડાવાનો નિર્ણય યોગ્ય જ છે। હવે હું કહી શકું કે મારા અમરાવતીનો વિકાસ પણ થશે। કચ્છની બેઠક પરથી ત્રીજી વખત ઉમેદવારી નોંધાવતા વિનોદ ચાવડાને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા માટેની અપીલ કરતા સાંસદ નવનીત રાણાએ લોકોને કમળના ફૂલ ખીલાવવા મોટી સંખ્યામાં મતદાન કરવાનું કહ્યું હતું। શનિવારે સાંજે હોટલ વિરામથી રોડ શો શરૂ થયો તે પહેલા કચ્છ જિલ્લા ભાજપ અધ્યક્ષ દેવજી વર્ચન, ધારાસભ્ય કેશુભાઈ પટેલ, વિરાટ વિચરતી, વિમુક્ત સંઘ, દેવીપૂજક સમાજના અગ્રણીઓએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત આપવાની અપીલ કરી હતી। રેલી લાલ ટેકરી પહોંચી ત્યારે બિલવાસ પાસે ઉપસ્થિતોએ બંને સાંસદોનું સન્માન કર્યું હતું, તેમજ હનુમાનજીની ગદા ભેટ સ્વરૂપે આપી રોડ શો નિર્ધારિત કરેલા માર્ગ અનમ રિંગ રોડ, મહેર અલી ચોક, વાણિયાવાડ, છઠ્ઠીબારી રિંગ રોડ, જિલ્લા પંચાયત થઈને ગાંધીજીની પ્રતિમા પાસે પૂર્ણ થયો હતો। જિલ્લા મથકે લોકસભાની ચૂંટણીમાં આ પ્રથમ રોડ શો હોવાથી લોકોમાં ખાસું એવું આકર્ષણ જોવા મળ્યું હતું। ભારત માતા કી, સમિતિ એક વાર ઉપર હોવાના ચાહીએ। ભારત માતા કી, વંદે વંદે। હમારે વિનોદભાઈ કે લીએ इस बार तीसरी बार और 5 लाख से भी, और मोदी जी इस कच्छ के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया पूरे देश में एक अगर उदाहरण है तो कच्छ का उदाहरण है कि विकास इस देश में राख से उठाकर लोगों को सोना बनाने का काम इस देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है। जब कच्छ के लोगों को साथ की जरूरत थी तो कांग्रेस वाले इटली में हॉलीडे मना रहे थे और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जहां पर भी पूरे देश में जाते हैं तो कच्छ का नाम सबसे पहले लेते हैं। मैं विनोद भाई के बारे में इतना जरूर कहूंगी, मैंने पिछली बार पार्लियामेंट में कहा, ओबीसी ने कहा कि हम पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी को मानते हैं, सम्मान करते हैं। मैंने कहा इस देश में जिन्होंने अयोध्या में राम लल्ला को विराजमान नहीं कर सके, इस देश का विकास कांग्रेस नहीं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि एक चाय वाला, जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है तो आम लोगों की आवाज वो पार्लियामेंट में उठती है। मैंने पिछले 5 वर्ष निर्दलीय लेके काम किया विनोद भाई, पर आपके कच्छ का विकास देखकर हमें भी लगता है कि जो दुपट्टा मैंने गले में डाला है तो आने वाले समय में हमारे महाराष्ट्र का और मेरे अमरावती का भी इसी तरीके से विकास होगा। कितने लोगों को लगता है कि विनोद भाई इस बार 5 लाख पार करेंगे? यहां पर भी कितने लोगों को लगता है रिपोर्ट कबीर न्यूज कच्छ भूज।